everyone. So welcome to our show, Har Pal Nahi Cricket with Sid, only on Facebook Watch. Oh my God, मतलब कितना प्रेशर आ गया है यार जिंदगी में इस मैच की वजह से. बिकॉज मैचेस चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ इंडिया सेमीज में जाए और भाई अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीते. तो प्रेशर बहुत है माइंड में. तो पता है जब मेरे माइंड में बहुत प्रेशर आ जाता है ना, तो अपने माइंड को ठंडा और डाइवर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ जैसे कि गिटार बजाता हूँ. तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने गिटार सीखा कैसे. वेल, मैंने गिटार ऐसे ही सीखा है, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है या फिर जब मुझे लगता है कि आई शुड डाइवर्ट माई माइंड. तो कभी कभी होता नहीं, आप एक काम करते रहते हो, प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है. तो ताकि आपका दिमाग फिर से काम कर पाए, फिर से आप सोच पाएँ, फिर से आप यू नो हैप्पी हो पाएँ, तो आप कोई दूसरा काम करते हो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. तो मैं ये करता हूँ. इससे क्या होता है कि मैं कुछ सीख भी रहा हूँ नया और मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है गिटार. एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन कि भाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए. तो गाइस, मैं इसीलिए गिटार बजाना शुरू किया है और मैंने किसी से सीखा नहीं है. मैं भी बस ऐसे ही वीडियोस देख देख के गिटार बजाना सीखा हूँ. ओह वाओ, व्हाट अ ह्यूज सिक्स मैन. यार आईसीसी के मैच में क्या सिक्स लग रहे हैं. मतलब बैट्समैन बॉल को तो वी गिगानेट की स्पीड की तरह स्पीड में और फास्ट ट्रेवल करा रहे हैं. मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ द पार्क, अमेजिंग. वाह वाह, चलो भाई सही है. तो गाइस, आज ना हम करेंगे गिटार का सेशन. ये आज मैं आपको गिटार की कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि आना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्ट्रिंग्स का नाम पता होना चाहिए, फ्रेट्स पता होने चाहिए. और क्या होता है ना, जो हम जब गिटार बजाते हैं तो गिटार ट्यून होना बहुत ज़रूरी है. वरना अगर ट्यून नहीं होगा ना, तो कितना भी अच्छा स्ट्रमिंग करें या कुछ भी करें, वो मज़ा नहीं आएगा. तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए गिटार ट्यून है या नहीं. तो आई विल शो यू कि ट्यून कैसे करते हैं. तो मेरा गिटार जो है ना, अभी हल्का सा अनट्यून है. तो यहाँ से हम ट्यून करते हैं. ये देखो, ये चेंज हो रहा है. जो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं वो बिना किसी ऐप के ट्यून कर लेते हैं, बट मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू मैं इसको ट्यून करता हूँ. तो मेरा गिटार अभी ऑलरेडी ट्यून्ड है. एक ही स्ट्रिंग ट्यून नहीं थी, उसको भी मैंने ट्यून कर दिया है. तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा गिटार के गिटार का नॉलेज दूंगा. मैं पहले आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं. इसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं. तो हमारी जो स्ट्रिंग का नाम है वो है, नाम मतलब जिसको जो हम स्ट्रिंग्स को बोलते हैं, ई बी जी डी ए ई. तो नीचे वाला जो स्ट्रिंग होता है दैट इज़ ई, उसके ऊपर वाला बी, फिर उसके ऊपर वाला जी, फिर उसके ऊपर वाला डी, फिर उसके ऊपर वाला ए और उसके ऊपर वाला ई. तो ऊपर का और नीचे का ई ई है, बस बीच में थोड़ा सा नाम अलग है. तो वो हमें याद करना होता है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी बोले ना कि सी बजाओ, डी बजाओ, ई बजाओ, है ना, ई कॉर्ड, डी कॉर्ड, तो हमें ये पता हो जाएगी ई क्या है, जी क्या है, सी क्या है. अब मैं आपको बता दूं फ्रेट्स. तो फ्रेट्स किसे कहते हैं, फ्रेट्स हम इसे कहते हैं, ये हो गया फ्रेट्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. तो ये हम फ्रेट्स बोलते हैं. मोस्टली जो गाने बजते हैं वो इसमें बज जाते हैं. और जो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल के गिटारिस्ट होते हैं, उनके लिए पूरा गिटार उनका हाथ ही होता है, क्या बताऊँ मैं. बट हम जैसे जो बेसिक लेवल वाले हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे काम बन जाता है. जैसे कि मैं समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए यहीं पे अपनी इज्जत बचा लेता हूँ गिटार से. तो मैं आपको आज वैसे ही सिखाने वाला हूँ, एकदम बेसिक है बट बहुत अच्छा है. तो हम क्या करेंगे, ये जो उंगलियाँ हैं इनका इस्तेमाल करेंगे. उंगलियाँ फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. और आपको बता दूँ, जब मैं गिटार बजाना शुरू किया था ना, तो मेरा ये पूरा फट गया था, खून निकलता था और ना बहुत गंदा हो गया. बट अब ये स्ट्रांग हो गए. तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 to 5 दिन तो यहाँ पे दर्द होगा, पेन होगा, मसल्स जो होती हैं यहाँ की चमड़ी होती हुई फटेगी. और डरना मत, वो आगे चल के स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि मेरी हो गई है. तो अब मैं ऐसे ऐसे कितना भी कर लूँ, ग्रिप्स फटती नहीं है. तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा आज एक गाना बजाकर दिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा. आपको क्या करना है, सेकेंड फ्रेट की डी स्ट्रिंग जो है ना, थर्ड स्ट्रिंग ऊपर से, थर्ड स्ट्रिंग पे एक उंगली रखनी है. और सेकेंड फ्रेट्स में ए ऊपर से सेकेंड स्ट्रिंग जो है उस पर दूसरी स्ट्रिंग लगनी है और उसको प्रेस करना है तेजी से. अगर आपने इसको अच्छे से प्रेस नहीं किया तो क्या होगा, गिटार अच्छा नहीं बजेगा. पर प्रेस करेंगे अच्छे से तो अच्छे से ट्यून आएगी.
करेक्ट। और अब जो आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रमिंग। स्ट्रमिंग बहुत अलग अलग होती है, एक होती है ये, मैं ना पिक से बजाता हूँ, बट अभी मेरे पास पिक नहीं है, हाथ से बजा रहा हूँ, इसलिए हल्का सा साउंड डिफरेंट आएगा, एक और साउंड टाइप से आएगा, बट पिक से और अच्छे से बजता है। तो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ उसकी स्ट्रमिंग बहुत इजी है। इट्स डाउन अप अप डाउन अप अप, ठीक है। इसी को हम थोड़ा तेज करेंगे, डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन। आपको एक धुन सुनाई दे रही होगी, एकदम सूदिंग सी धुन जिसमें आप बहुत सारे गाने गा सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक गाने डेडिकेट करना चाहूँगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ ये न्यूज़ सुनने का कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए, तो उनके लिए एक गाना हो जाए। इंडिया और नामीबिया के लिए है, उनको मैं एक ही गाना डेडिकेट करना चाहूँगा, वो ये है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम जीत जाइए। तो गाइज ये दो गाने मैंने डेडिकेट किए हैं दोनों टीम्स के लिए। तो गाइज बस मैं यही चाहूँगा कि इंडिया जीते, अफगानिस्तान जीत जाए और हमारे इंडिया सेमीज में जाए। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप हर पल क्रिकेट विद सिड देखते रहिए और क्रिकेट की ढेर सारी अपडेट्स पाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग हर पल क्रिकेट विद सिड ओनली ऑन फेसबुक वॉच। बाय।